हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम आपको वर्क वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि वर्क दिया है, तो इसको हम बैक में रखेंगे और ये जो वर्क है इसको हम स्लीव्स में रखेंगे। तो दोनों साइड में इसी तरीके से वर्क रहेगा, उसको स्लीव्स में रख लेंगे और जो आगे का पार्ट है उसको हम सिंपल रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए अस्तर पर हम कटिंग कर लेंगे सबसे पहले करके। तो जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बना रहे हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पर हमें जो है लंबाई का निशान लगाना है। तो देखिए ब्लाउज़ हमारा ये 36 साइज़ का है, तो सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे कि 13.5 लंबाई चाहिए, तो 14.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद में सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आपको शोल्डर ले लेना है 5.5 इंच का, इस तरीके से। और फिर यहाँ से आर्म होल लेंगे 6 इंच। अब देखिए चेस्ट है जैसे कि 36 है, तो यहाँ पर आपको 9 इंच लगा लेना है, बाकी 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लेना है जो कि हमारा सिलाई का मार्जिन रहेगा। 36 का जो चौथाई पार्ट है 9 इंच आएगा। उसके बाद में आपको पूरा नीचे तक का सीधे लाइन खींच लेना है कमर तक, कमर के लिए। और कमर वैसे काम होता है, लेकिन जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो प्लेट्स जब हम बनाएंगे तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर कमर के साइड में कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गले की साइड में गले की वेट हम ले रहे हैं 2.25 इंच और गले का लंबाई हमने ले लिया है 11। यहाँ से विड्थ लेंगे हम 3 इंच। नीचे से हमें ब्रॉड रखना है, जैसे कि ये हमारा डीप गला है, आप अपनी पसंद से जितना भी आपको लेंथ रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉट्स की मार्किंग कैसे करना है, 4 इंच पर डॉट की मार्किंग करेंगे। इसकी लेंथ भी जो है हम 4 इंच ले लेंगे। दोनों साइड में जो है 1/2 इंच हमारा यहाँ पर मार्जिन जाएगा सिलाई का, तो 1 इंच ही हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पर जब हम सिलाई करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 1.5 इंच पर आपको गोलाई देना है आर्म होल के लिए। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर आप जो है आगे की पार्ट की कटिंग देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम पीछे वाले पार्ट को इस साइड में रखेंगे। तो इस साइड में रखने से क्या है कि कम से कम कपड़े में ही हमारे पार्ट्स निकल आते हैं। और फिर यहाँ पर आपको आर्म होल का निशान लगा लेना है, वैसे ही जैसे कि जितना आपका बैक पार्ट का है उतना ही आप मार्क कर लीजिए यहाँ से। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे के साइड में आपको बढ़ाना है 1.5 इंच के लगभग, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें तुरपाई करना है, सो इसलिए हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। वैसे ही हमारा जो है अस्तर वाला ब्लाउज़ रहेगा, तो पीछे वाले पार्ट को मैंने 1 ही इंच बढ़ाया है, क्योंकि पीछे पार्ट में हमारा 1/2 इंच शोल्डर का और आधा कमर की साइड जाएगा, लेकिन जो पीछे ये जो आगे का पार्ट है ना इसमें हमने तुरपाई के लिए 1.5 इंच लेना है, बाकी शोल्डर का जो एक्स्ट्रा हो तो बैक पार्ट की कटिंग के समय पर हमने ले लिया था। तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे इसलिए। इसका अगर आप सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। वैसे तो नॉर्मली हम जैसे सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं वैसे ही करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ वर्क का ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क लगाना है गले की साइड से, फिर यहाँ पर आपको 2 इंच ले लेना है और यहाँ से जो है हम ले लेंगे 4 इंच। यहाँ पर हमारा जो सिंपल ब्लाउज़ है ये फ्रंट से, तो ये आप अपने पसंद से बना सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। आप कटोरी वाला बना सकते हैं या बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है, बस आपको यहाँ पर जो है आर्म होल की साइड में अब इस तरीके से अंदर की साइड में शेप देना है 1/2 इंच का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूरी कटिंग वैसे ही कर लेना है जैसे हमने मार्किंग की है।
तो यहाँ पर देखिए हमें स्लीव्स का कटिंग करना है, तो जितनी भी आपकी स्लीव रहेगी 1 इंच प्लस करके आप मार्क करके यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये देख सकते हैं आप 9 इंच है, 9 इंच आपका आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर जॉइंट नहीं लगाएंगे तो हमारा नहीं आ पाएगा, तो हम जॉइंट के लिए कपड़े यहाँ पर कट करेंगे। तो जब हम जॉइंट लगा लेंगे तो फिर यहाँ पर हमारा 9 इंच के लगभग आ जाएगा, फिर हम स्लीव उसका कटिंग यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर गहराई देंगे हम, वन साइड से नहीं देना है आपको, नीचे की साइड से देना है। 2.5 इंच पर गहराई देकर हम सेव दे रहे हैं, हमारी 3.5 इंच की स्लीव तैयार होगी। 4.5 इंच की इधर से लेंथ हमने लिया है, उसके बाद में आपको सेव दे देना है। आपकी जितनी भी आप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं स्लीव को, जितना कपड़ा है उसी हिसाब से ही रखेंगे। अगर एल्बो स्लीव बनाते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अस्तर लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखिए ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसमें वर्क दिया है, तो कैसे हमें निकालना है। ऐसे अगर हम रख के निकालेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हमारा टेढ़ा हो सकता है, फिर दिक्कत हो सकती है वर्क में। तो क्या करना है, बिल्कुल परफेक्ट आने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बीच पार्ट में बैक पार्ट में जो हमारा वर्क है इसको हम बिल्कुल बैक पार्ट के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको पहले फोल्ड कर लेना है, इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद में इस तरीके से जो बैक पार्ट का यहाँ पर गली के नीचे का जो है पार्ट है वहाँ पर हम वर्क को रखेंगे, तो बिल्कुल बीचों बाद में आए ऐसे आपको रख लेना है। फिर आप अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके, तो आपका जो बिल्कुल बराबर से वर्क आएगा यहाँ पर। ये देखिए अब यहाँ पर हम जो है सबसे पहले देखिए हमारी स्लीव्स के लिए यहाँ पर पाइपिंग दिया हुआ है, इसको हम स्लीव में रख लेंगे। और सिंपल पार्ट हम रखेंगे आगे के लिए, हम सिंपल रखेंगे, तो इसको पहले तो हम सिंपल निकाल लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, यहाँ पर फोल्ड करके हमने रख लिया है, तो इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से स्लीव्स में हम वर्क रखेंगे, यहाँ पर हमारे वर्क दिया है स्लीव्स के लिए, तो अब इसको कटिंग करके हम अलग कर लेते हैं। तो स्लीव्स में आप देख सकते हैं कि जो है हमारा बराबर नहीं है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट में नहीं दिया है जो वर्क है हमारा, इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जो बाजू है उसकी सेंटर पॉइंट में आप कट लगा लीजिए, छोटा सा है, मार्क लगा लीजिए चौक से, फिर उसके बाद में आप इस तरीके से रख लीजिए, जहाँ पर आपको स्लीव आ रहा वहीं से आपको कटिंग करना है। अगर इस साइड में हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है तो जॉइंट हम लगा के बना सकते हैं इसको, जॉइंट हमें लगाना पड़ेगा। दूसरी स्लीव में देखते हैं क्या है, दूसरी स्लीव्स में भी हम सेंटर पॉइंट में रख लेंगे, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा यहाँ पर भी जॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है जॉइंट लगे, क्योंकि वर्क जो होता है उसमें ये नहीं कि पूरा बराबर से देते हैं, कहीं भी ज़्यादा कहीं कम देते हैं, इसलिए आपको कटिंग के समय पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम जॉइंट लगा लेंगे बराबर से, फिर उसके बाद में इसको रख लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे यहाँ पर कटिंग हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर